इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बड़ी खबर बिहार के कटिहार से, जहां मेयर के सनसनीखेज मर्डर पर सियासत गर्मा गई। कटिहार के मेयर शिवराज और शिवा पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेयर को तीन तीन गोली मारी गई। इस मामले में बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा 11 दूसरे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। इन 12 आरोपियों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 8 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही। कल रात शिवराज पासवान बाइक से मंदिर से लौट रहे थे। कटिहार के संतोषी चौक रेलवे गेट के पास तीन हत्यारे पहले से घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिवराज पासवान की बाइक पास आई, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। छाती में तीन गोली लगने से मेयर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे बाइक से फरार हो गए। गंभीर हालत में मेयर को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब आपको बताते हैं कि मेयर के मर्डर में बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे नीरज पासवान का नाम कैसे आया। दरअसल मेयर शिवराज पासवान का प्रॉपर्टी का कारोबार था और विधायक के भतीजे नीरज पासवान का भी प्रॉपर्टी का काम है। आशंका यह जताई जा रही है कि जमीन विवाद को लेकर ही मेयर की हत्या की गई। मेयर के परिवार ने भी एफआईआर में नीरज पासवान का नाम लिखवाया। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस ने 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकी 8 के लिए जगह जगह दबिश की जा रही। कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा ने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। पासवान जी को एक फोन आया, उसके पूर्व उन्होंने अपने ऑफिशियल बॉडीगार्ड को यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी आज उन्हें बाहर नहीं निकलना है। फोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और कुछ दूर के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया, 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। इनके छोटे भाई के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें कुछ नामजद अभियुक्त भी हैं। पुलिस की दबिश की कार्रवाई की जा रही है। कटिहार में हुए मेयर के मर्डर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह से हत्या अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ है कि बिहार में कानून व्यवस्था ठप हो गई। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही, कोई आरोपी बचेगा नहीं। भय का वातावरण है और हत्या का उद्योग, अपहरण उद्योग का दौर चल रहा है। इसमें पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री को कितना पैसा चाहिए। आरसीपी से टैक्स तो वसूल ही रहे हैं जनता के गाड़ी कमाई का, लोग की हत्या भी हो रही है, उसमें भी ये पैसा आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार को आ रहा है। अब बताइए, कटिहार में मेयर की मर्डर हो जाना और स्वर्ण व्यवसायी का को गोली मार देना और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को अभी भी अपहरण किए हुए है, वो छूटा नहीं। ऐसे कई उदाहरण है बिहार में जहां शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। सुसागर पासवान तो उनका जुलाई में ही कार्यकाल खत्म हो गया था, कोई मेयर नहीं था, लेकिन स्टेटस मेंटेन किए हुए थे। उसमें 11 लोगों पर एफआईआर हुआ है, 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अनिश्चित तौर पर हमारे लिए चुनौती हो, चाहे मधुबनी में हो, चाहे जहाँ आपने नाम लिया है, हमारे लिए चुनौती है। सभी जगह देखिए, यहाँ कानून का साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता, कानून अपना काम करता है। 11 लोग पर एफआईआर हुआ, नामजद अभियुक्त हैं, 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है। वहाँ हम चुनौती के साथ कहते हैं कि पुलिस का गिरेबान उन अपराधियों तक तुरंत पहुँच जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।